वंदे मातरम बच्चों, आज हम पढ़ेंगे गिनती। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे ये अंग्रेजी अंक है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 से 10 तक की अंग्रेजी अंक की गिनती लिखी हुई है। और यहाँ पे 1 से 10 तक हिंदी अंकों की गिनती लिखी हुई है। तो आपको देखना है कि अंग्रेजी अंकों को हिंदी अंकों में कैसे लिखा जाता है। इसको अंग्रेजी अंक बोलते हैं 1 से 10 तक, और इसको क्या बोलते हैं, हिंदी अंक बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग गिनती करेंगे और साथ में इसे गिनेंगे भी। यहाँ पे कुछ चित्र बने हुए हैं, उसको गिनेंगे। ठीक है, और इसे शब्दों में कैसे लिखा जाता है वो भी देखेंगे। ठीक है, अंकों को शब्दों में कैसे लिखा जाता है वो भी देखेंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर है एक, ए क, एक। ठीक है, एक को अंग्रेजी में कैसे लिखते हैं, ये वन है। ठीक है, और ये हिंदी अंक है। ठीक है, वन और एक, ऐसे हिंदी अंक एक लिखते हैं, ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, यहाँ पे एक चित्र बने हैं। ठीक है, और यहाँ पे कितने चित्र बने हैं, दो चित्र बने हैं, एक दो। दो कैसे लिखेंगे, द लिखेंगे और ओ की मात्रा डालेंगे। ठीक है, दो। दो को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, टू बोलेंगे, और हिंदी में दो बोलेंगे। ठीक है, ऐसे लिखते हैं। ये चित्र को पहले गिनेंगे, एक दो तीन। ठीक है, तो यहाँ पे त में बड़ी की मात्रा तीन, तीन। ठीक है, और ये थ्री, अंग्रेजी अंक में लिखेंगे थ्री और हिंदी अंक में लिखेंगे तीन। ठीक है, अभी पहले चित्र गिनेंगे, एक दो तीन चार। ठीक है, तो चार, च में आ की मात्रा और र, चार, उसको फोर बोलेंगे। ठीक है, अंग्रेजी में, और हिंदी में चार, ऐसे लिखेंगे। ओके, आगे है एक दो तीन चार पाँच, पा और ऊपर चंद्रबिंदु और च, पाँच। ठीक है, फाइव लिखेंगे अंग्रेजी में और हिंदी में ऐसे लिखते हैं। ठीक है, पाँच। आगे है एक दो तीन चार पाँच छः। ठीक है, तो छह, छह, और सिक्स बोलते हैं इसको, और ऐसे छह बनाते हैं। ओके, आगे एक दो तीन चार पाँच छः सात, समय आती मात्रा सात, सात, उसको अंग्रेजी में सेवन लिखेंगे और हिंदी अंक में सात लिखेंगे। ठीक है, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, आ ठ, आठ, अंग्रेजी में एट और हिंदी में ऐसे आठ बनाएंगे। ठीक है, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, न में अ की मात्रा नौ, और अंग्रेजी में नाइन और हिंदी अंक ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस, द स, दस, टेन, अंग्रेजी में टेन बोलते हैं और हिंदी में दस, ऐसे अंक में लिखा जाता है। ठीक है, तो बच्चों आपको इसे अपने नोटबुक में लिखना है और इसे याद करना है। ओके, वंदे मातरम बच्चों।